छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम बसारी की रहने वाली चंदा पत्नी प्यारेलाल रैकवार उम्र 28 वर्ष बीते रोज अपने मुर्गी फार्म पर काम कर रही थी, जिन्हें यह महिला भगाने का प्रयास करने लगी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने चंदा के पैर में काट लिया। सर्पदंश के जानकारी लगते ही परिजनों ने उसे अस्पताल ले जाने की जगह पहले झाड़फूंक के लिए ग्राम भियाताल ले जाना मुनासिब समझा, जहाँ झाड़फूंक के कारण उसे आराम नहीं लगा तो ये लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल चंदा का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। कुछ नहीं, दौड़े कुत्ते आए तो दौड़ के गए लट्ठी लेके, देखा नहीं पैर के नीचे। फिर क्या किया, कहाँ गए? फिर वैसे पैरों में खुजली टाइप की झिंझना रहा था, तो फिर बैठे रहे ऐसे, हमने की झिंझनी टाइप चढ़ रही, तो फिर थोड़ी देर रुके, जब थोड़ी उल्टी टाइप में आई तो फिर देखा, तो फिर झरवाने को ले गए, झरवान भैया ताल झाड़ा लगवाया तो आराम लग गया। जिला अस्पताल का नाम कैसे है? अभी आए काय से आई? अपने गाड़ी से? गाड़ी से आए। अब कैसी हालत है? मोटरसाइकिल से। अब कैसी हालत है? अब सही है, ये ऐसी चक्कर टाइप में आ रहे थे, चक्कर आ रहे हैं आँखों में। अब इमरजेंसी हालातों में इलाज के लिए महानगरों की ओर भागने की जरूरत नहीं, छतरपुर में आ गया है झांसी का प्रख्यात और भरोसेमंद संस्थान संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हार्ट अटैक, अस्थमा अटैक, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए जीवन रक्षक उपकरणों के साथ इलाज की सुविधा, छतरपुर के लिए वरदान 24 घंटे भर्ती की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर युक्त संसाधनों और योग्य चिकित्सकों की सुविधा, 24 घंटे डायलिसिस सुविधा। इमरजेंसी हालातों में संपर्क करें संजीवनी आईसीयू एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, टीवीएस शोरूम के पास, होटल ला कैपिटल के नजदीक, पन्ना रोड, छतरपुर।